हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन. दिस योर होस्ट गेम लॉर्ड एंड वेलकम बैक टू दी होपफुली दी फाइनल एपिसोड ऑफ दिस गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 3. और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में हमने जो है मेरे ख्याल में लास्ट एक दो दिन पहले ही मैंने जो है उसको अपलोड किया यूट्यूब के ऊपर, तो आप वो जाके देख सकते हैं. उसके अंदर हमने काफ़ी मिशन जो है उसमें कम्प्लीट किए हैं, और उसके अंदर एक नया गैंग जो साइड मिशंस के तौर पे था, एक नया गैंग सामने आया जिसका नाम रेड जैक्स था, और जिसका जो है वो फड्डा चल रहा था 9 गैंग के साथ. अब ये बहुत ज़्यादा गैंग्स, जिसने ये गेम खेला हुआ है उसको ये पता होगा कि लिबर्टी सिटी के अंदर या इस गेम के अंदर बहुत सारे गैंग्स हैं, जिसमें कार्टेल गैंग हो गया जी, इसके अंदर हमारे पास रेड जैक्स अब आ गए हैं, नाइन्स हैं, इसके अंदर कोलम्बियंस है, कार्टेल है, और और के भाई अब तो वो गिनने में भी नहीं आते. ठीक है, तो मेरी हमारी जो पिछली जितने भी एपिसोड्स हैं वो आप देखें, आपको पता लगेगा कि भाई इसके अंदर कितने हमारे पास साइड मिशन के तौर पर गैंग्स जो हैं उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया और हमने उनके लिए काम किया, बट एट द एंड सब ने तकरीबन जो है हमें बिट्रे किया. लेकिन रेड जैग्स जो एक गैंग था जिसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मिशंस किए, जो डी आइस नामी बंदा था, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे बेहतर लगा सारे गैंग्स से, क्योंकि उसने हमें जो है बिट्रे नहीं किया और हमने उसके लिए काम किया. ठीक है, इसके साथ साथ हमने असुका का भी एक मिशन कंप्लीट किया था, जिसके अंदर उसने हमसे डिमांड की थी कि भाई कुछ जो उसके बंदे हैं उसके गैंग के बेसिकली, तो वो जो चाहते थे कि कुछ कोलंबियन कार्टेल जो है जो मेंबर्स हैं उनको लेकर आए, ताकि वो उसको उनको जो है सबक सिखाए, उनको मारे और एक जो है मैसेज क्लियर जो है वो दे दे कोलंबियन कार्टेल्स को कि भाई वी आर कमिंग फॉर यू. ठीक है, और असुका जो है अभी तक बेखबर है कि उसके भाई को जो है हमने ही मारा है. तो अब चलते हैं यहीं से, अपने मिशन जो है अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम ये सारी सारे मिशंस जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे. अब सुगर की तरफ चलते हैं, लेट्स सी के आगे हमारी स्टोरी के अंदर कौन सा ट्विस्ट आने वाला है. Miguel certainly has some of that famous Latin stamina. I'm quite exhausted. We underestimated Catalina's plans for Spank. It reaches far beyond the yard he's selling it on the street corners. The cartel have a front company, the Kappa Coffee House. They've been selling Spank through the street stalls. We have no choice but to put these drug stands out of operation. Smash them to splinters. ठीक है, तो इस वक्त तो हम असुका के पास आए हैं और उसने कहा है कि भाई इनका जो है कोई मिगेल ने जो है बताया है कि इनका कोई प्राइवेट बिजनेस है, कंपनी है कोई कैपा कॉफ़ी के नाम से, जो कि स्पैंक जो है वो सेल कर रही है ऑल ओवर द लिबर्टी सिटी. तो अब हमने जाना है और उनके जो भी स्टॉल्स वगैरह हैं जहाँ पे वो ड्रग्स वगैरह सेल कर रहे हैं तो उनको हमने डिस्ट्रॉय करना है. अब ये थ्रू आउट लिबर्टी सिटी जो है फैला हुआ है, तो सबसे पहले जो है हमने देखना है कि जितने भी स्टॉल्स हमारे पास मौजूद हैं इस स्टॉन्टन आइलैंड के ऊपर, हमने उनको डिस्ट्रॉय करना है. हमारे पास टाइम जो है बहुत कम है इस वक्त, अगर आप देख सकते हैं. तो सबसे पहला जो है हमने इस वक्त स्टॉल डिस्ट्रॉय कर दिया है. लेट्स गो एंड फाइंड सम मोर स्टॉल्स अराउंड द सिटी. ये काफ़ी डिफ़िकल्ट मिशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है मैप पे इस वक्त बताया नहीं जाता है कि आपने किस जगह पे जो है जाके आपने वो स्टॉल डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है. सो यू हैव टू सर्च फॉर इट, और आपने सारे लिबर्टी सिटी के अंदर आपने चक्कर लगाना है. इसलिए इस मिशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक फास्ट कार होनी चाहिए. इस वक्त याकूज़ा स्टिंगर है मेरे पास, जो कि आई थिंक इट्स अ डिसेंट कार. ठीक है, जिसके अंदर आप ये मिशन जो है आराम से कर सकते हो. यहाँ से पकड़ते हैं दूसरी वाली गाड़ी. दो खोखे इस वक्त जो है हमने उड़ा दिए हैं. ठीक है, आई एम गोइंग फॉर द थर्ड वन. चार स्टॉल जो है इस वक्त हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं. लेट्स
गो फॉर द फिफ्थ वन जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल एस्प्रेसो स्टॉल्स इन स्टॉन्टन आइलैंड इज रैक्ड। पोर्टलैंड और शोर साइड वेल अब हमने किसी तरीके से पहुँचना है क्योंकि वहाँ पर भी जो है ये स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। तो लेट्स गो। इस वक्त सबसे करीब हमारे पास जो रास्ता है वो शोर साइड वेल का है, तो यहाँ से ब्रिज पकड़ते हैं और चलते हैं शोर साइड आइलैंड की तरफ। इस मिशन के लिए बेस्ट यही है कि आपके पास एक फास्ट कार होनी चाहिए, जो इस वक्त मेरे पास है स्टिंगर के तौर पे। तो ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है, इसके अंदर आप ये मिशन बड़ी आसानी से कर सकते हो। इस वक्त हम आ गए शोर साइड वेल। यहाँ पे इस वक्त सबसे पहला स्टॉल जो हमें नज़र आ रहा है वो हमारे पास। जो हमने प्रीवियस एपिसोड के अंदर जो हमने रास्ता अख्तियार किया था, जो एयरपोर्ट था सबवे के ज़रिए, वहाँ पे आपको ये स्टॉल मिल जाएगा। तो सिंपली यू हैव टू गो। तो इस वक्त मेरे ख्याल में कुछ और स्टॉल्स भी रहते हैं इस आइलैंड के ऊपर, वरना हम यही सबवे पकड़ के सीधा हम पोर्टलैंड आइलैंड की तरफ जा सकते थे। लेट्स सी। इसकी टाइमिंग से आप अंदाज़ा लगाइए इतना कम टाइम इन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमने ये मिशन कंप्लीट करना है और फिर भी हम एक आइलैंड कवर करके अब हम दूसरे आइलैंड पे आए हैं, तो इसका मतलब है कि ये मैप कितना ही छोटा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन लगता नहीं है जब आप गेम खेलते हो, जाहिर सी बात है, तो ये मैप काफ़ी बड़ा लगता है। ऐसा लगता है कि आप पूरे की पूरी सिटी के अंदर जो है आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। सेम इज़ द केस विद वाइस सिटी और सैन एंड्रियास भी इसी तरीके से है। वो तो हमें तब पता लगा जब डिफेक्टिव एडिशन जो था GTA सैन एंड्रियास का, उसके अंदर हमें पता लगा कि जब फोग वगैरह का सीन हटा तो हमें पता लगा। अच्छा, यहाँ भी सारे हमने कंप्लीट कर लिए, अब हमें चलना चाहिए पोर्टलैंड आइलैंड, तो यहीं से वापस होते हैं। तो खैर, वो जब गेम रिलीज़ हुई थी तो उसके अंदर पता लगा कि अच्छा, ये तो काफ़ी छोटा मैप है, तो ये वाला सीन था। अब यहाँ से हमें पकड़ना पड़ेगा आई थिंक अंडरग्राउंड जो हाईवे जा रहा है वो पकड़ना पड़ेगा पोर्टलैंड आइलैंड के लिए। टाइम कम है हमारे पास, सिर्फ 3 मिनट है तकरीबन। पोर्टलैंड आइलैंड के लिए आपको राइट मुड़ना पड़ेगा। असल में मसला ये है कि पोर्टलैंड आइलैंड पे हमें पता नहीं है कि स्टॉल्स कहाँ कहाँ हैं, उसको ढूंढने में भी टाइम लग सकता है। अब यहाँ पे ये गाड़ी डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इस वक्त मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूँ। आई थिंक ये रास्ता तो स्टॉन्टन आइलैंड की तरफ जा रहा था, हम सीधा पोर्टलैंड की तरफ निकल आए। इस वक्त 2 मिनट है हमारे पास, 2 मिनट के अंदर हमने ये सारे स्टॉल्स वगैरह जो है ढूंढने और इनको डिस्ट्रॉय करना है। यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखनी है कि हमने जो है माफिया के टेरिटरी से नहीं गुजरना, क्योंकि अगर हम वहाँ से गुजरेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। यहाँ पे तो अभी तक मुझे कोई ऐसा स्टॉल नज़र नहीं आ रहा। पोर्टलैंड आइलैंड इतना बड़ा नहीं है, होना तो यहीं पे चाहिए। एक मिल गया। You're going to be
सॉरी। अब एक और ढूंढना पड़ेगा कि ये कहां पर है। लेट्स गो मैन। तो हमने ये मिशन कंप्लीट कर ली है। हम काफ़ी ख़तरनाक टेरिटरी पे खड़े हुए हैं इस वक्त। पोर्टलैंड आइलैंड माफिया गैंग के सामने। आपको पता है कि काफ़ी तेज़ है इनके पास वेपन्स वगैरह। जब आप गाड़ी में जाते हो तो आपको एक शॉट से, वो शॉट गन इनकी बहुत जो है ना, वो बहुत बहुत तेज़ शॉट गन है, ठीक है। तो वो जो है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको एडवांटेज दिया हुआ है, तो काफ़ी ख़तरनाक जगह। तो चलो ये मिशन हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम वापस जाना चाहिए असुका के बाद। लेट्स गो और पकड़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट मिशन। तो इस वक्त हम वापस आ गए हैं, हमने जो है लास्ट मिशन कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर जो है हमें असुका ने कहा था कि जो कोलंबियन कार्टेल है वो स्पैंग या ड्रग जो है वो बेच रहे हैं ऑल ओवर द लिबर्टी सिटी। तो हमने सारे उनके स्टॉल्स को क्रश कर दिया और इस वक्त जो कोलंबियन कार्टेल है वो टोटली जो है ट्रिगर हो चुकी है। अब देखते हैं आगे स्टोरी के अंदर क्या ट्विस्ट आने वाला है। लेट्स गो बैक एंड मीट असुका। Do we technic some more now or just wait for it to turn black and fall off? Give it a quick prod. Oh, what is that gooey yellow stuff? Oh, hey, babe! My handyman. I was bored, so I came over to keep Asuka company. She's got the makings of a natural, this girl. She's managed to extract this little gem from our guest. There's a plane coming into Francis International in 2 hours' time. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. Collect the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili oil. I don't know what they are doing to this poor guy, लेकिन इस वक्त असुका ने हमें कहा है कि भाई कोई प्लेन वगैरह आने वाला है कैटलिना का, और जिसको हमने डिस्ट्रॉय करना है, उसके अंदर जो पैकेज वगैरह है उसको हमने लेना है और फिर हमने लेकर जाना है। तो इस वक्त मैं अपने पैट्रियट के अंदर बैठ चुका हूँ, जो हमें पिछले कुछ मिशंस में जो है रे नामी एक बंदे ने जो है हमें दी थी कि ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। और इस वक्त हमने जाना है फ्रांसिस एयरपोर्ट। तो लेट्स गो, जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन इस वक्त हम असुका ने एक बोट अरेंज करके दी हुई है, उसने कहा कि ज़्यादा बेहतर होगा कि हम बोट के अंदर जाएँ, ठीक है, लेकिन हम उसको अवॉइड करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हम बोट के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से शॉर्टकट है, आप डायरेक्टली एयरपोर्ट जा सकते हैं, इतनी कोई खासी सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, तो ईज़िली जो हम यहाँ से जा सकते हैं। इससे बेहतर ये है कि हम कश्ती में बैठे, फिर वहाँ से उतरे और फिर हम दोबारा पहुँचे एयरपोर्ट की जानिब। तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे। और यार ये बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो कभी काम आएगी, ठीक है। तो बेसिकली वो यही एक मिशन है जिसके अंदर आप उसको काम में ला सकते हो, बुलेट प्रूफ गाड़ी। और हमें जो है जो कैटरीना के जहाज़ है उसके अंदर से कुछ सामान वगैरह है जो फिर हमने उठा के स्टैश करना होगा। तो बेसिकली उसके लिए फिर एक गाड़ी चाहिए ऐसी, ताकि अगर हम पे कोई एनिमीज़ वगैरह अटैक भी करते, ताकि हमें कोई जो है एज सच मसला ना हो, ठीक है। तो लेट्स गो, ये हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट के पास। सिर्फ 2 मिनट का टाइम है हमारे पास और इसके अंदर हमें पहुँचना है। ये हम जी इंटर हो चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर। इस वक्त तो कोई खासी सिक्योरिटी वगैरह नज़र नहीं आ रही, अगर हम इसको ब्रीच भी कर लेते हैं तो भी कुछ ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा देखने को। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जहाज़ वगैरह इस वक्त खड़े हुए हैं यहाँ पर। टाइम कम है, अच्छा इसके बीच में जो है गैप है, तो एक तो ये चीज भी ज़हन में रखनी है। आ
सामने तो एक डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ से आप रॉकेट लॉन्चर भी उठा सकते हो, लेकिन हमें नॉर्मली जाना यहाँ पर है। यहीं पे आई थिंक जहाज लैंड होगा मोस्ट प्रॉबली। आई कैन सी इट। हमारे पीछे काफी पुलिस लग गई है इस वक्त, तो मैं अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ और ये कार्गो जो है ना ये हमने कलेक्ट करना है, क्योंकि पुलिस भी हमारे पीछे काफी आ गई है। पांच पैकेजेस पकड़ लिए हैं, छह पकड़ लिए हैं। सात पकड़ लिए हैं, सारे के सारे हमने पकड़ लिए। लेट्स गो। इस चीज़ का ख्याल रखना, इसके बिल्कुल साइड में अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास समंदर है, तो कभी कभार इंसान गलती से जो है ना इसके अंदर बैठ के गिर भी सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक जहन में रखनी है। यहाँ से निकलते हैं, ये देखिए पुलिस की गाड़ियाँ शाड़ियाँ आ गई हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे एक यस, तो एक स्टार हमने ले लिया है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी हीट जो है ना वो कम हो जाएगी। बाकी हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है, ऐसे हमें कोई मसला नहीं हो पाए होगा। वो हम इजीली जो है हम पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमने लेकर जाना है। आई थिंक उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे हमने जाके सारा का सारा सामान इसका स्टैश करना है, तो ये प्लान है इस वक्त। अब ये गाड़ी डिस्ट्रॉय ना हो जाए किसी तरीके से, वरना मसला हो जाएगा, मिशन फेल भी हो सकता है। यहीं से आई थिंक पकड़ते हैं वापस ब्रिज की जानेब से और चलते हैं स्टॉन्टन आइलैंड। काफ़ी पुलिस पड़ चुकी है सब पीछे। आई थिंक हम वी आर क्लोज, हम पहुंच चुके हैं। What? अरे भाई, तो ये तो एक ट्विस्ट जो है इसके अंदर आ चुका है। बेसिकली असुका भी मर चुकी है, असुका को भी किसी ने मार दिया है, और उसके साथ साथ जो है जो मिगेल बंदा हमने पकड़ा था उसको भी मार दिया है। और उसने कहा हमने मारिया को जो है, जो मारिया लड़की थी बेसिकली, जो हमारी गर्लफ्रेंड वगैरह है, उसको जो है इसने किडनैप कर लिया है। और वो कह रहे हैं कि भाई अब अगर लड़की को चाहिए तो
पता नहीं 5 लाख डॉलर जो है उसने डिमांड किया है, और कैटलीना ने बेसिकली आई थिंक ये इसको किडनैप किया है। तो ये था हमारा भाई सेकंड लास्ट मिशन, ठीक है। हमने जो एसुका के कहने पे उस जहाज़ को गिरा दिया है, और उसके बाद इसमें जो सामान था वो हमने ले लिया, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वो थे ही नहीं, और एसुका भी मारी गई, और साथ में जो है जो मिगेल बंदा था वो भी मर चुका है, और मरिया गायब है। तो हमने मरिया को अब रेस्क्यू करना होगा नेक्स्ट मिशन के अंदर। मैं अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी यहाँ पे जो है दोबारा सेव कर रहा हूँ, जस्ट इन केस के हम अगर मिशन फेल वगैरह कर लेते, ताकि हमारी जो ये गाड़ी है ये हमसे गुम ना जाए, ठीक है। तो अब चलते हैं अभी कैटलीना की तरफ, फिर वहाँ से अपना देखते हैं। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट मिशन, आई होप कि ये लास्ट मिशन ही हो, और हम जाएंगे कैटलीना को फेस करते हैं, एंड लेट्स एंड दिस वंस एंड फॉर ऑल।